आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन बुक के जो है रीजनिंग के चैप्टर जो है 6 को देखने वाले हैं, जिसमें हम सभी लोग जो है महत्वपूर्ण जो है 15 प्रश्न करेंगे वर्णमाला परीक्षण से, यानी अल्फाबेट से जो है करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैप्टर 5 तक जो है मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला परीक्षण में आपको A to Z और दाएँ से बाएँ आपको आना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न होते हैं हर टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपके थ्योरी के, तो इसमें थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ए से लेकर जेड तक के नॉलेज पूर्ण है, यानी आपने कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ा है, तो आप इस चैप्टर को कर लीजिएगा। अगर आप थ्योरी कभी पढ़े भी नहीं है, तो अभी हम प्रश्न करेंगे ना, तो उस प्रश्न के माध्यम से आप सभी लोग जो है सारे कंसेप्ट सारे थ्योरी को जो है समझ लीजिएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी हम जो है इसमें महत्वपूर्ण 15 प्रश्न करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच और एस के ठीक बीच जो है कौन सा अक्षर होगा, समझ गए। यहाँ पर आपका एक अक्षर दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपका एक अक्षर दिया हुआ है, और यहाँ बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि एच, यहाँ पर एच देखिए, एच यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एस, ये एस बोल रहा है, इसके बीच में जो है कौन सा अक्षर जो है होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका है एम है, एन है, एल है, और यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, पूरा ए से जेड तक दिया हुआ है ना, ए से जेड तक है, देखिए लिखना पड़ेगा पूरा जेड, 26 अक्षर लिखना पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, तो ये देखिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, समझ रहे हैं। JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये मैंने जेड लिख दिया। चलिए इसे मैं रिपेंट भी कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ये हो गया, समझ गए ना, ये हो गया। अब यहाँ बोल क्या रहा है आपको, किसका, एच का, तो एच यहाँ पर हमारा है, देख रहे हैं, एच यहाँ पर है और एस यहाँ पर हमारा यहाँ है। इसमें बोल रहा है कि इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो बीच में यानी कि आपका मीन मीडियम वगैरह पढ़ा होगा अपने, बीच में कौन है, देखिए कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, टोटल इसके बीच में 10 अक्षर है। तो इसके बीच का अक्षर कौन होगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा, इसके बीच का अक्षर कौन होगा, कैसे पता चलेगा। मान लें कि 10 है तो एक ये अक्षर हो गया, 2 3 4 इधर से काटे, 1 2 3 4 इधर से काटे, समझ गए, चार कट गया, बचा यहाँ पर कितना, ये 2 बच रहा है, यहाँ पर आपका एम और एन बच रहा है, तो डिसाइड कैसे होगा कि एम होगा कि एन होगा, तो ये भी कट जाएगा एक एक, तो इसका बीच का तो अक्षर ही नहीं बचा। इसके देखिए 10 है, 2 से काट दीजिएगा तो ये 5 5 बट गया ना, लेकिन इसके बीच में तो कोई अक्षर ही नहीं है। बीच का अक्षर यानी कि आपने मीन पढ़ा होगा, मीडियम पढ़ा होगा, उसमें होता नहीं है कि यहाँ पर 5 है, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई लिख ले ये अक्षर, अगर आपसे कोई पूछे कि बीच का अक्षर कौन है, तो ये देखिए 2 अक्षर इधर 2 अक्षर इधर, ये बीच का अक्षर क्या है, 6 है, ये क्या हो जाएगा, 6 आपका इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई हो रहा है नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें बीच का अक्षर जो है कोई अक्षर नहीं है, क्योंकि 10 है और 10 तो कॉमन हो गया, 5 5 इधर हो जाएगा, तो दोनों का 5 5 तो कोई बीच का अक्षर नहीं होगा, समझ गए। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर आपका सेकेंड प्रश्न है, और ये बोल रहा है कि इनमें से किस शब्द के साथ जो है EN और EPIC दोनों उपसर्ग जो है जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा शब्द के पहले लगता है आपका उपसर्ग, समझ गए, और क्या जोड़ना है, EN और आपका EPIC, समझ गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन को पकड़िए, पहला को, तो यहाँ पर देखिए इंडेमिक, पहला अक्षर को पकड़े तो इसमें इंडेमिक, इन डेमिक, और यहाँ पर इपिडेमिक, समझ गए। फिर यहाँ पर इनडर्माइस, इंडोर्स और इपिडोर्स, नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा, ये देखिए, यही आपका सही सही यहाँ पर जो है आपका लग रहा है, देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका क्या लगा, ये देखिए, यहाँ पर EN लगा हुआ है और यहाँ पर EP लगा हुआ है, यहाँ पर EP लगा हुआ है, तो हो गया ना। तो इन बोला है कि इनमें से किस शब्द के साथ जो है
EN और EP दोनों को उपसर्ग के साथ जोड़ा जा सकता है, तो वो है आपका डेमिक, समझ गए, इंडेमिक और एपिडेमिक, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है कि विजन, फोन और स्कोप प्रत्येक में किसे उपसर्ग की तरह जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर बोला गया किसे उपसर्ग की तरह जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर टेल और टेले, टेल और ये सभी बताएं। तो यहाँ पर देखेंगे टेलीविजन, टेलीफोन और स्कोप, टेलीस्कोप, यानी कि हम लोग यहाँ जो है इसको ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पर हम उपसर्ग के जो में यहाँ पर टेले, तो यहाँ पर हो जाएगा ना विजन है, वी आई एस आई ओ एन, तो ये क्या बन जाएगा टेलीविजन, टी ई, यहाँ पर हो जाएगा टी ई एल ई वी आई एस आई ओ एन, टेलीविजन। फिर आपका क्या है, फोन है, यहाँ पर फोन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर भी हम लोगेंगे इसमें टेल, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे टेले, टेली, तो इसी को क्या हो जाएगा टेलीफोन, पी एच ओ एन ई, समझ गए। फिर यहाँ पर है स्कोप, तो यहाँ भी हम यहाँ पर टेले ये लगाया जाएगा टेली स्कोप एस की ओ पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेली स्कोप, समझ गए, तो बन रहा है ना, देख पा रहे हैं क्या यहाँ लग रहा है टी एल ई, टी एल ई, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, टेली लग रहा है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि शब्द जो है प्लामिस्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं की ओर आयोजित किए जाए तो अक्षरों के स्थिति वही रहेगी, बताइए। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले पी एल ए, सॉरी पी ए एल, प्लामिस्ट ये आपका शब्द है, और प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाएं लिखा जाए, लेकिन ये होता है आपका दाएं राइट, और यह आपका होता है बाएं यानी कि लेफ्ट। एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर रख दूँ, ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट यानी कि दाएं, और ये आपका बाएं। तो बोल क्या रहा है कि बाएं से दाएं की ओर आयोजित कीजिए, यानी कि इधर से इधर जाना है, तो इधर से इधर क्या हो जाएगा ए से लेकर हमके जेड की तरह जाना है, तो इसमें अरेंज कीजिए पहले एक ए बी सी डी का कौन सा अक्षर रहता है, तो यहाँ पर पहले ए आ जाएगा, आएगा ना ए के बाद क्या आएगा बताएं, ए के बाद यहाँ पर आपका आई आ जाएगा, आई के बाद आपका यहाँ पर एल आ जाएगा, एल के बाद यहाँ पर एम आ जाएगा, पी आ जाएगा, एस आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये आपका अरेंज हो गया एक, क्या आपका ये बाएं से दाएं हो गया ना, ये आपका बाएं से लेकर इधर आपका दाएं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है कि तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी, बताइएगा कितने अक्षरों की स्थिति जो है आपका वही रहने वाला है, तो क्या होगा इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएं। देखिए यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पर स्थिति पूछ रहा है ना इसका, कितने अक्षरों का स्थिति रहने वाला है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद क्या आता है, टी आता है, तो एक तो ये स्थिति रहने वाला है, फिर यहाँ पर देखिए एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है, अगर आप देखिएगा ए बी सी डी में तो एल के बाद एम ही आता है, देख रहे हैं ना, यहाँ बोला है कि आयोजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी, मतलब जो रहता है, तो एक दो और एक, इसमें तो सब ही लग रहा है ना, ए के बाद आई यहीं आता है, आई के बाद एल आता है, समझ गए, एल के बाद एम आता है, पी के बाद क्या आता है, एस आता है, तो यहाँ पर तो ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो दो बन रहा है, एल के बाद एम और यहाँ पर एस के बाद यहाँ पर टी, यही दो क्या है कि मतलब अक्षर है जो कि स्थिति वही रहती है जो आपका अल्फ़ाबेट में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आई के बाद एल तो नहीं आता है, आई के बाद एल लेता नहीं ना, आई के बाद क्या आता है जे के, तब एल आता है, तो दो को तो गैप है इसमें, समझ गए ना, वहीं पर देखिए एम के बाद यहाँ पर पी, एम के बाद एन ओ तब पी आता है, समझ गए, पी के बाद क्यू आर तब एस आता है, तो ये दे आता तो सभी है, लेकिन यहाँ बोला क्या है कि कितने अक्षर की स्थिति वही रहेगी, तो एल के बाद एम आता है ये तो कन्फर्म है, और इसके बाद टी आता है, यानी कि इसका आंसर दो हो जाएगा। इस बुक का बहुत सारे आंसर जो है गलत भी है, कई कई बुकों में ये तीन भी दिया है, तीन से अधिक है, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसका आंसर दो ही होना चाहिए। अगर आप ऐसे देखिएगा तो सब तो सेम है, ऐसे देखिएगा तो तीन से अधिक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद आई आता है, ए के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद पी आता है, पी के बाद एस आता है, और एस के बाद टी आता है, लेकिन हमें यहाँ बोला क्या है कि आयोजित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति जो है वही रहती है, तो वही कैसे रहेगी, एल के बाद एम आता है, एम आता है ना एक, और इसके बाद टी आता है, तो ये दो स्थिति तो वैसे ही रहेगी, एकदम सटा सटा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें डाउट है, बहुत सारे आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ओके,
यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पर पांच नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण की बेकी संख्या मान दिया गया है। समझ गए, इस प्रश्न को आप सभी लोग कीजिए जल्दी जल्दी और कमेंट कीजिए कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि ए को 2 लिखा गया है, बी को 4 लिखा गया है और सी को 6 लिखा गया है। समझ गए, और पूछ रहा है कि बेबी को कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब 1 होता है और इसको लिखा क्या है, दुगुना कर दिया है। बी का मतलब क्या होता है, 2 है, इसको क्या किया है, दुगुना कर दिया है। सी का मतलब क्या होता है, 6, मतलब कि 6 कैसे हो गया। सी का मतलब 3 होता है, इसको दुगुना कर दिया है। समझ गए, तो उसी तरह यहाँ पर बेबी का पूछा है, बी ए बी वाई, तो बी का मतलब यहाँ पर देखिए, बी का मतलब क्या होता है, 2, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, वाई का मतलब 25। अब इसको दोगुना कीजिएगा तो 4, इसको दोगुना कीजिएगा तो 2, जोड़ते जाइए, इसको कीजिएगा तो 4 प्लस इसको कीजिएगा तो 50। अब यहाँ पर देखिए 4 2 6 6 4 10 और 10 और 50 जोड़ेंगे तो आपका 60, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना इजी प्रश्न था, बस समझने का फेर है, बाकी आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी एक अलग टाइप का ही है, यहाँ पर है बी जी आर ए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर बी जी आर ए है और बोल रहा है कि अक्षरों में से प्रत्येक का एक बार प्रयोग करते हुए कितने अक्षर अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, उसी को बनाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बी जी आर ए, ये है आपका बी जी आर ए। तो अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक हम इसको बना सकते हैं क्या, बी आर ए जी, वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है डींग, डींग मारना, एक ये बन जाएगा। एक बी का यूज करके हम लोग बना लिया, अब हम लोग जो है एक यूज करते हैं जी का, तो ये देखिए जी, फिर यहाँ पर ए आर बी, गर्भ, गर्भ का मतलब होता है कचरा, इसका यूज हो गया। फिर आर ए बी जी कुछ होगा नहीं, आर जी ए बी कुछ नहीं होगा, एक और आपका बनेगा ए आर से कुछ बनेगा नहीं, समझ गए ना। तो एक आपका बन जाएगा जी आर ए बी, ये हो गया गर्भ, ये हो गया ग्रैब, समझ गए। इससे होता है झगड़ा करना या झपटना, इसका अर्थ होता है झपटना या झगड़ा करना या पकड़ना, याद रखिएगा, समझ गए। तो 2 और ये 3, कितना बना भाई, 3 बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि यहाँ पर रिफ्रेशिंग का जो है बोल रहा है कि अक्षर के ऐसे युग्म कितने होंगे जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अक्षरों वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। समझ गए, तो ये देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिए, क्या है रिफ्रेशिंग, समझ गए, ये आपका रिफ्रेशिंग है, ये हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि आपको जो है जो आपका अल्फ़ाबेट होता है उसके आगे और पीछे भी जो है उतने ही अक्षर होने चाहिए जैसे कि आपके अल्फ़ाबेट में होते हैं, ए से लेकर आपके जेड तक या जेड से लेकर आपके ए तक, दोनों, समझ गए, आगे पीछे दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ढूंढना शुरू करते हैं हम लोग कि आगे और पीछे, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न में ही बोला कि आगे और पीछे दिशाओं में जितने कि उनके बीच के अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम पहले यहाँ पर बात कर ले, ई के बाद यहाँ पर एफ आता है क्या, ई के बाद एफ, दम सही है, एक तो ये मिल गया, एक ये मिला। अब यहाँ देखिए आर और आर है तो होगा नहीं, एस के बाद आर आता है क्या, कि आर के बाद एस आता है, नहीं नहीं आता है। ई के बाद एच आता है क्या, नहीं, ई के बाद एच भी नहीं आता है, एच के बाद आई आता है, दम वही है जैसे कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एच के बाद यहाँ पर आपका आई हो गया, समझ गए, एच के बाद यहाँ पर आई हो गया, दो को मिला। अब यहाँ देखिए, ये तो आपका सीधा ऐसे गए तो मिल गया दो को, अब हम लोग ऐसे आते हैं, उल्टा भी तो जाना है ना, तो यहाँ देखिए जी है, जी के बाद क्या आता है, कहीं आता है क्या, जी के बाद एच और आई, देखिए यहाँ पर ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पर आई है, यानी कि इसके बीच का एक ये वर्ड दिया है, एन दिया है, लेकिन यहाँ पर हम मान सकते हैं ना एच, समझ गए ना, एच, तो ये तो एक ये मिल गया, जी के बाद एच और आई, एक वही वाला श्रृंखला है, एक बीच में दिया हुआ है, आई के बाद कोई और मिल रहा है क्या, देखिए तो अब कोई नहीं मिल रहा है लग रहा है, एस के बाद आर नहीं आता, एस के बाद टी यू आता है तो वही नहीं मिल रहा है, यानी कि एक और एक दो और एक दो और एक तीन, तीन मिला, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 3। समझ गए, क्लियर हो गया ये प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर बोल रहा है कि शब्द जो है टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित होते हैं। समझ गए, तो लिखना क्या है हमें, टेलीफोन, ये देखिए पी एच,
ONE, ये टेलीफोन हो गया ये वाला। अब आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में उतना ही आपको बताना है, होना चाहिए, समझ गए? जैसे कि आपका ए से जेड तक होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझ गए ना? और आपको यहाँ पर जो है आगे पीछे कहीं से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान पूर्वक आप देखिए कि एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। एक तो ये मिल गया आपको, इधर से चलते हैं तो ये दाएं से बाएं चले या बाएं से दाएं चले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्नों में। तो एक तो ये मिल गया आपको, दूसरा आप देखिएगा तो आपको ये कि यहाँ पर मिल रहा है ये वाला ई यहाँ पर दिया है और यहाँ पर एच दिया है। तो ई के बाद यहाँ पर आपका एफ और यहाँ पर जी और तब यहाँ पर एच। तो यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, ये आपको दिया है दो अक्षर बीच में तो दिया है ना, एक ये अक्षर और ये एक अक्षर, ऊपर कोई भी अक्षर उससे मतलब नहीं है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात कर ले आपके श्रृंखला की, तो उसमें तो ई के दो बाद ही ना आता है एच, ये हो गया। और देखिए तो यहाँ पर पी है, फिर यहाँ पर ई है, एल है, तो और होगा नहीं, ई के बाद ई तो आएगा नहीं, एल के बाद पी आता नहीं है, यहाँ पर टी है। तो क्या ये मिल रहा है? ये देखिए तो ये भी आपका एक मिल रहा है। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका टी है और यहाँ पर आपका ई है, सॉरी यहाँ पर आपका पी है, तो पी के बाद यहाँ पर क्या आता है, क्यू, फिर यहाँ पर आर, एस, तब जाकर यहाँ पर टी आता है और यहाँ पर आपका पी आता है। तो इसके बीच में भी जो है तीन अक्षर आता है तब ना यहाँ पर आता है। देखिए ये हो गया, यानी कि एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया और एक यहाँ पर तीन नंबर हो गया। कितने संख्या बन रहे हैं? तो तीन बन रहे हैं, ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के बीच की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अगला प्रश्न, यदि जो है मिस फॉर्च्यून शब्द पहले और दूसरे शब्द के तीसरे, देखिए मिस फॉर्च्यून लिखा है यहाँ पर शब्द है, बोल रहा है कि पहले और दूसरे अक्षर को, तीसरे और चौथे अक्षर को, पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल कर दिया जाए और आगे भी इसी तरह परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद आपके बाएं से आठवें अक्षर कौन सा होगा? जैसे कि यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है क्या, ये देखिए मिस फॉर्ट्यून ये लिखा हुआ है, समझ गए ना, मिस फॉर्ट्यून लिखा हुआ है और बोल रहा है कि पहले के दूसरे अक्षर, नंबर लिख दीजिए, एक दो, दूसरे कलर से मैं लिख दूँ ताकि समझ में आपको आए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, मतलब कि आपको जो है दस जो है यहाँ पर संख्या है और किया क्या गया है कि एक को दूसरे दूसरे बदल दिया गया है और तीन को चार से बदला गया है, पाँच को छः से बदला गया है, सात को आठ से बदला गया है और नौ को जो है दस से बदला गया है, यानी कि सबको आपस में बदल दिया गया है। तो हम बदलना शुरू करते हैं, एक नंबर को दो में बदल दिया गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ हो जाएगा, एस हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ओ यहाँ पर, आर यहाँ पर, सबको आपस में बदल दिया गया है नंबरिंग वाइज, समझ गए? वही ना बोला है प्रश्न, एन यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर आपका ई, तो ये आपका बना, ये आपका बना। और बोल क्या रहा है, बोल रहा है प्रश्न में तो परिवर्तन के बाद आपको बाएं से आठवां अक्षर बताना है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को मालूम है कि दायां ये होता है, यानी कि राइट ये होता है और आपका ये लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या है कि आपको बाएं से आठवां अक्षर, बाएं से आठवां अक्षर जाना है। तो देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, सात नंबर और आठ नंबर, यानी कि क्या यहाँ पर मिल गया हमें, यहाँ पर हमें मिला क्या, आठ नंबर पर क्या मिला हमें, यहाँ पर ये हमें मिल गया टी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए, टी। देखिए क्लियर हो गया ये प्रश्न, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि ये नाइन नंबर, यदि जो है डिप्रेशन शब्द को पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और पुनः जो है तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार जो है पाँचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, फिर जो है बोल रहा है कि आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहेगा, तो सातवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से सातवां अक्षर बोल रहा है, यहाँ पर दाएं से सातवां अक्षर पूछा है। तो देखिए वही प्रश्न आएगा जो अभी हमने किया था, पहले यहाँ पर लिख लीजिए क्या, डिप्रेशन, डी ई पी आर ई डबल एस आई ओ एन, ये डिप्रेशन हो गया। नंबर लिख दीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, सबको क्या किया गया, आपस में बदला गया है, इसको यहाँ से यहाँ बदला गया, एक को दो में बदल दिया गया है, तीन को जो है चार में बदला गया है, पाँच को जो है छः में बदला गया है, समझ गए, सात को जो है आठ में बदला गया है और नौ को जो है दस में बदला गया है, नौ को जो है आपका दस में, तो ये बदल गया हमारा, ये बदल गया, बदला हुआ दिखा ना, और ये हमारा क्या होता है, दाएं इधर होता है, इसको राइट बोलते हैं,
और इसको लेफ्ट बोलते हैं इधर से, यानी कि बाएं ये होता है, और प्रश्न हमारा क्या बोला है दाएं से, दाएं का मतलब कि इधर से चलना है हमें, इधर से चलना है, तो इधर से चलने के लिए कितना, सातवा, तो एक नंबर ये हो गया, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच, और ये छः, और ये सेवन, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया क्या यहाँ पर, पी, ये पी सेवन यहाँ पर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर पी है, ओ है, एस है, आर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पी होगा, ऑप्शन में पी नहीं दिया, इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया 10 नंबर तक। अब और पांच प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्देशन दिया हुआ है, यहाँ पर निर्देशन दिया हुआ है 11 से 12 क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए है कि वैसे आपको जो है अक्षरों का प्रयोग करना है, जिसका प्रयोग करके जो है, मतलब निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अब ये हमारा 11 है और इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए सी ओ एम कॉमर सी लिज्म, समझ गए ना, ये हो गया, और इसका प्रयोग कोड क्रोम, देखिए यहाँ पर पहला क्या है सी आर ओ एम, तो सी का यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पर दूसरा देखिए क्या ओ का है, ओ का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सी आर है ना, आर देखिए तो आर कहीं पर मिल रहा है, आर भी यहाँ मिल रहा है, वैसे नहीं होगा, रुके ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, सी की देखिए सी यहाँ पर है, हम तीन कलर से करते हैं, सी यहाँ पर आपको मिला, फिर आर की बात करें आर भी यहाँ पर है, ओ की बात कर ले तो ओ कहीं पर मिल रहा है, ओ भी यहाँ पर मिल रहा है, एम की बात कर ले एम भी मिल रहा है, ई की बात कर ले ई भी मिल रहा है, यानी कि पहला बन रहा है, और हमें ढूंढना क्या है जो नहीं बने, फिर यहाँ पर है एल ए एन सी ई आर लेंसर, तो लेंसर का देखिए एल है, एल है, एल के बाद यहाँ पर क्या है ए है, ए भी मिला, ए के बाद एन, एन मिल रहा है क्या, एन देखिए तो ध्यानपूर्वक आपको मिल रहा है कहीं पर एन, एन नहीं मिल रहा है इसमें, देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए तो एन नहीं मिल रहा है, मिसर देख लीजिए मिसर की बात कर ले तो एम, एम यहाँ पर मिला, आई की बात कर ले तो आई भी यहाँ पर है, एस की बात कर ले तो एस कहीं पर यहाँ भी एस है, फिर यहाँ पर ई की बात कर ले तो ई यहाँ पर है, ई के बाद क्या है आर है, तो आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, यानी कि ये बन रहा है आपका, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, यानी कि ऑस्कर भी बन जाएगा, ओ तो ओ यहाँ पर है, एस की बात कर ले तो एस यहाँ पर आपका है, फिर यहाँ पर सी बात कर ले तो सी यहाँ पर है, सी कहाँ पर, सी यहाँ पर है, ए की बात कर ले तो ए यहाँ पर है, आर की बात कर ले तो आर यहाँ पर है, यानी कि ये भी बन जा रहा है, तो हमें पता चल गया ना कि कौन सा नहीं बन रहा है, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पता चल गया कि कौन सा नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देख रहे हैं कि लेंसर जो है एल ए एन सी ई आर, ये जो है नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एन जो है नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसी तरह जो है इन्वायरमेंट का आपको बताना है, यहाँ पर इन्वायरमेंट में पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, और चेक कीजिए आप तो ई यहाँ पर मिला, ई मिल गया, एन की बात कर ले एन भी मिल गया, टी की बात कर ले तो टी यहाँ पर मिल गया, आर की बात कर ले तो आर यहाँ पर मिल गया, ए की बात कर ले तो ए कहीं पर है, नहीं ए ही तो नहीं मिल रहा है इन्वायरमेंट में, ए नहीं मिल, देखिए ए यहाँ पर है, ए नहीं मिल रहा है, क्या यही आंसर हो जाएगा क्या, जी एकदम सही है, यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट में जो है ए का प्रयोग जो है कहीं पर नहीं दिख रहा है, समझ गए, तो ए का प्रयोग नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब इंटर मूवमेंट डोमिनेंट ये सब बन रहा है, ये सब सही है, लेकिन जो नहीं बन रहा है वो कौन है, वो ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पर ए पकड़ा गया, ए इसमें होता ही नहीं है, समझ गए। अगला यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरा स्थान पर आएगा, तो ये भी प्रश्न ईजी है, समझ लीजिएगा इसको बनाने का तरीका क्या है कि पहले जो शब्द दिया है उसको लिख लीजिए, समझ गए। यहाँ पर देखिए सी ए, पहले कॉमन देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर सी ए दिख रहा है, यहाँ भी सी दिख रहा है, सी ए दिख रहा है, सी ए दिख रहा है, एन भी यहाँ पर दिख रहा है, एन भी यहाँ पर दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, यानी कि तीन अक्षर कॉमन है सब में, तो सी ए एन लिख दीजिए, सी ए एन कैन सी एन। अब देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए तो यहाँ पर ई है, फिर यहाँ पर भी क्या है ओ है, फिर यहाँ पर क्या है एन है, फिर यहाँ पर क्या है ए है, तो आप सभी लोगों को तो पता चल गया होगा कि ये तीन अक्षर के बाद यहाँ पर ई मिल रहा है, फिर यहाँ पर एन मिल रहा है, फिर यहाँ पर ओ मिल रहा है और ए मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी से पहले स्टार्ट करते हैं ए से जेड, तो पहले ए आता है, तो यानी कि पहला नंबर पर ये हो जाएगा ए, देखिए पहला नंबर हमारा ये हो जाएगा ए नंबर, एक नंबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एन कैम कैनल, समझ गए एक नंबर। अब दूसरा पर क्या आ जाएगा, ए के बाद क्या आता है, ई आता है कि ओ आता है कि ई आता है ना, ई केन आ जाता है,
केन आ गया दूसरा पर, तीसरा पर आपका क्या आ जाएगा, ओ की एन, एन ओ, तो पहले एन आएगा तो वाई हो जाएगा और ओ और ई आएगा, तो ये तीसरा और ये चौथा, ये अरेंज करने का भी हो गया आपका आंसर। और दूसरा बोला है तो दूसरा हमारा केन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए नंबर देख लिए केन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यहाँ पर बोला क्या था कि शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा, तो पहला पर तो कैनल आ गया, दूसरा पर क्या गया केन आ जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है दो प्रश्न और है लास्ट, ये बोल रहा है कि निर्देशन पहले पढ़ लीजिए। तो निर्देशन यहाँ पर बताया गया कि निम्नलिखित दिए गए शब्दकोश के क्रम व्यवस्थित किया जाए और आप सही विकल्प का चयन करें, यानी कि आपको क्रम करना है। तो यहाँ पर वही बात आ गया, आपका पाँच पाँच दिया है ना, कोई बात नहीं करके हम देखेंगे। पहले यहाँ पर कॉमन देखिए, ई एन दिया हुआ है, यहाँ पर ई ए जी, ई ए, ई एल, ई सी, ई एन, मतलब कि एक कॉमन है। तो सबसे पहले पाँच लिख दीजिए, ई ई पाँच लिख लीजिए, इसको बनाने का तरीका बेहतर होता है ये वाला, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, पहला तो यहाँ पर क्लियर हो गया, सब में कॉमन ई है। अब ई के बाद देखिए कि दूसरा में क्या है, एन है, यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर एल है, फिर यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर एन है, तो बताइए कि एन ए एल सी एन में पहले कौन आएगा। तो पहले आपका ए आएगा, ए आएगा, यानी कि एकदम कन्फर्म हो गया कि पहला नंबर ये होगा, पहला पर एक नंबर पर ये होगा, एक नंबर पर ये कन्फर्म हो गया। अब देखिए ये इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पर ए का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो अब देखिए ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आता है, एल आता है कि एन आता है कि सी आता है कि एन, तो दो नंबर पर ये आएगा सी, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद ये आपका तीन नंबर पर ये आ जाएगा। तो देखिए एक नंबर पर ईगर, एक नंबर पहले क्या आएगा, पहले एक नंबर हो जाएगा, फिर आपका एक मिनट सॉरी एक नंबर मतलब ये चार नंबर, तो पहले आपका दो हो जाएगा, फिर आपका जो है चार हो जाएगा, फिर आपका तीन आ जाएगा, दो चार तीन, जो दो चार तीन यहाँ पर मिला, दो चार तीन नहीं मिला, एक ही को मिल ही रहा, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, अब यहाँ पर देखिए ई एन, ई एन है, डी है, ए है, तो सबसे पहले एक नंबर आएगा तब ना पाँच आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ गए, इसको अरेंज करना था, अरेंज की आपको अल्फ़ाबेट में कैसे करते हो वो करना था, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न हम थोड़ा लिखकर ही कर देंगे ताकि आपको समझने में आ जाएगा। ये 15 नंबर देखिए, तो 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर एल कॉमन है सब में, एल कॉमन है, छः है ना, तो एल लिख दीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः। अब एल के बाद बताइए, यहाँ पर आई है दूसरा पर, यहाँ पर ओ है, फिर यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर ओ है, फिर यहाँ पर यू है, फिर यहाँ पर ई है, तो सबसे पहले ए आएगा, तो लेटर हो गया, एल ए टी ई आर, लेट, लेट हो गया, तो ये कितना नंबर हो गया, तीन नंबर पहला हो गया। अब देखिए ए के बाद क्या आता है, ई आता है कि ओ आता है कि आई आता है कि यू आता है, तो ई आता है यानी कि लेटर हो जाएगा दूसरा पर, तो लेटर यानी दूसरा पर क्या आ जाएगा, छः नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पर एल आई है, यहाँ पर एल ओ है, एल ओ है, एल यू है, तो एल आई पहले आएगा, तो एल आई हो जाएगा, एल आई बी ई आर, यानी कि एक नंबर, उसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर एल ओ है, एल यू है, तो एल ओ दो दो है, तो एल ओ, इसमें आप कॉमन देखेंगे, दो और तीन में देखेंगे तो एल ओ मिल गया दो कॉमन, तो यहाँ पर एन है और तीसरा पर ए है, तो पहले ए आएगा, तो यानी कि एल ओ ए डी, लॉर्ड, तो ये आपका हो जाएगा कितना, चार नंबर। फिर आपका लॉन्ग, एल ओ एन जी, लॉन्ग, लॉन्ग में आपका दो नंबर, तब आपका क्या हो जाएगा, लुमिनस, लुमिनस आपका हो जाएगा ये, यानी कि आपका पाँच नंबर। क्रम देखा जाए तो पहले ये तीन, छः, फिर यहाँ पर एक, चार, और यहाँ पर दो, और यहाँ पर पाँच, ये मिल रहा है देखिए, तो तीन, छः, एक, चार, दो, पाँच, ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, ये वाला को एक नंबर, एक नंबर मिला क्या, नहीं एक नंबर नहीं सॉरी सी नंबर, देखिए तीन सी नंबर मिला, तीन, छः, एक, चार, दो, पाँच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया, तो आशा करता हूँ कि ये 15 प्रश्न जो मैंने आपको कराया अभी, तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, ओके।